हमारा ये दुबड़ी का त्यौहार है, ये जो आगामी जो हमारी आने वाली फसलें हैं उनकी अच्छी फसल की कामना के लिए हम लोग सभी गाँववासी अन्न देवता की प्रार्थना करते हैं ताकि हमारी अच्छी अन्न की पैदावार हो, इसलिए हम सभी लोग पूजा करते हैं। और इसको लेकर बड़ा जोश खरोश गांव के ग्रामीणों में हमारे गाँववासियों में रहता है। अतः हमारे गांव की रोहिणी है, ध्यानी है, उनको दूर दूर से सभी लोग इस त्यौहार को मनाने के लिए सब लोग एकत्र होते हैं। हम अपनी दही दियानी पाई पाने बुलाते, सब बुलाते हम आपके दही दियानी पाई पाने। हाँ जी, हम चिट्ठियाँ पत्र देते, हमारे हम दुबड़ी होती है, हम दुबड़ी बनाते, पूरी तरह चावल काटा करते, उसके बनाते हम पिनिया बनाते, और तब पूरी तरह हम उसको शाम के बगैर हम उसको ढा देते, नीचे खेलते कूदते गाने बजाने लाते, सबको रोटी पानी खिलाते। सारे गाँव वाले आते, सारे गाँव वाले आते, मेहमान दूर से भी आते, गाँव के भी। हमारा सबसे पौराणिक त्यौहार है जो कि हर महीने भादों के महीने मनाया जाता है बहुत धूमधाम से, और इसमें जैसे कि झंगोरा और मक्की का प्रयोग किया जाता है नई फसल का स्वागत के लिए, और सारे हमारे रिश्तेदार से लेके गांव के नज़दीक के क्षेत्र के सभी लोग धूमधाम से मनाते हैं। हमारे गांव में सभी एकत्रित होते हैं और ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है पूरे साल का। के महीने में हमारी दुबड़ी होती है, उसके लिए पूजन के लिए हम जितना अनाज झुंगोरा कवणी चेनी मक्की इसकी पूजन करते हैं कि क्यों इनकी इनकी उपदय को ढंग से होनी चाहिए, और उसके लिए हम पूजन भी करते हैं। जितनी हमारी ज्ञानी है पौणी है जितने भी मेहमान होते हैं सबको बुलाते हैं, हम सबको खिलाते हैं, हम जितने हमारा लोग हमारे भाई बंधु जितने भी होते हैं भाई के लिए भी ये भाई रोज होता है हमारा, इसके लिए हम पूजन करते हैं।